गाइस हम आ चुके हैं अपने एक और मशहूर जॉइंट पे जो भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले हैं, अमृतसर के फेमस कुलचे देते हैं। तो ये बिल्कुल दरबार साहब के पास में है, पहली गली जो लेफ्ट जाती है दरबार साहब से उधर है। और इनका जो एक स्टॉल है वो मेन बाहर है, बाहर वाली रोड पे है। आलू गोभी पराठी पिट्ठी मतलब इन सब के कुलचे देते हैं ये। और लेके चलते हैं इन जॉइंट में, आपको दिखाते हैं किस हिसाब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कैसी है प्रिपरेशन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग चल रही है, बेसिकली वेटिंग चल रही है, क्यू चल रही है। और ये आप देख सकते हैं किस हिसाब से हैं। ये 4 बजे तक रहती है शॉप, सुबह के से लेकर शाम तक। तो चलते हैं अंदर और इनसे कुछ बात करते हैं। हमारे साथ है भाई कुलवंत सिंह जी के ओनर हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रदुमन सिंह, प्रदुमन पिताजी के नाम से चलती है, भाई कुलवंत सिंह कुलचे के नाम। अच्छा, आपके पिताजी के नाम क्या है? भाई कुलवंत सिंह के नाम के नाम। और ये काफी पुरानी शॉप है और कब से है? हमारे प्यो दादे सारे यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरा पुश्तैनी है तुम्हारी, यही काम करती है, कुलचे का काम है। मैं बाहर भी देखा थोड़ा ज्वाइंट है, एक ये मेन ज्वाइंट है। तो देख रहे हैं काफी बिजी चल रहा है, वीक डे का टाइम है, तो लेके चलते हैं। किस प्रकार के कुलचे ज्यादा फेमस ने? 5 प्रकार के कुलचे होते हैं, आलू का, गोभी का, पनीर का, पेठी का मिक्स। अच्छा हाँ जी, हर तरह की अलग अलग पसंद है। हाँ जी, ज्यादातर लोग आलू का पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, ये सर्व किया जाता है, मतलब वो प्याज से चटनी के नाल, हरी चटनी? हरी चटनी नाल जी, प्याज से हरे प्याज की चटनी होती है, हरी प्याज की चटनी नाल छोले होते हैं, कचालू का चार होता है, आंवले का चार। अच्छा, जो आंवले खत्म होते फिर अंबिया का चार बनाते। बिल्कुल बिल्कुल, कचालू है, आंवले का अचार है, उसके साथ सर्व किया जाता है गाइस। और देखते हैं, प्रिपरेशन दिखाएंगे आपको। और आप वैसे देख सकते हैं कि कितनी कितना भरा पड़ा है ये जॉइंट, पैर रखने की जगह नहीं है। आप गाइस देख सकते हैं, ये है जी भाई कुलवंत सिंह जी की फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं। और ये है इनका मेन्यू, जो कि आलू वाला कुलचा है 50 रुपये का, गोभी वाला, पीठी वाला कुलचा है, पनीर वाला कुलचा है, फोर मिक्स कुलचा है। फोर मिक्स कुलचा मतलब मिक्स? अच्छा, वो मिक्स कुलचा हो गया बेसिकली, आलू की भी, गोभी की, पनीर की, मिक्स कुलचा, चारों की जो मिक्स फिलिंग करी जाती है मिक्स है। तो ये देखिए आप किस हिसाब से अंदर भरा पड़ा है ये जॉइंट, काफी लोग एंड तक वेट कर रहे हैं आपके। इट्स लिटरली पीपल आर वेटिंग फॉर योर टर्न। एंड ये है देखिए, ये है शॉप और ये है इनकी क्लाइंटेल। सो रियली इट्स अ बिजी प्लेस एंड आई विल टेक यू टू द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन दिखाते हैं आपको, लस्सी भी है यहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको और चलते हैं बाहर। बाहर की तरफ ये आप देख सकते हैं लस्सी किस हिसाब से प्रिपेयर की गई है और यहाँ पे है। और भैया हमें लेके चलेंगे बाहर की प्रिपरेशन दिखाएंगे, जो इनकी आउटसाइड शॉप है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट रीच देयर आउटलेट विच इज जस्ट नेक्स्ट टू दरबार साहिब। और ये है इनका जॉइंट और आप देख सकते हैं बाहर से, ये है भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले। और ये बेन मेरे सीधे जाते ही जलियांवाला बाग है राइट साइड पे। और ये देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कुलचे के प्रिपरेशन किस हिसाब से प्रिपेयर करे जा रहे हैं और बताते हैं आपको। गाइज आप देख सकते हैं छोटी सी सिटिंग यहाँ पे है अदर देन द मेन शॉप बिहाइंड अस। और ये है इनकी प्रिपरेशन, ये देखिए ये है इनका, ये जो फिलिंग है आलू की स्टफिंग है। और यहाँ बन रहे हैं पेड़े, ये देखिए कैसे कट किया जाता है इसको, पहले मैदा होता है, मैदा होता है, ये प्योर मैदा है। और ये मिक्स वाला है कि सिर्फ आलू का है? सिर्फ आलू का कुलचा है, आप देख पा रहे हैं। और किस हिसाब से इसको बनाया जाएगा, ये मिक्स का है, सारे स्टफिंग अलग अलग होती है, ये सब स्टफिंग है, ये मिक्स की स्टफिंग है, ये पनीर की स्टफिंग है, ये गोभी का कुलचा बन रहा है। आप देखिए कितना जेनरसली इसके अंदर फिलिंग की जा रही है। और ये देखिए, और ये प्योर मैदा रहता है, मुझे ये बताया गया है। ये देखिए ये जाएगा आगे और तंदूर के अंदर, ये देखिए ये गया तंदूर के अंदर गीला हाथ लगा के और ये गया अंदर बिल्कुल। और कुछ ही मिनटों में ऐसा कुछ क्रंची सा कुलचा निकलेगा, तब तक के लिए बने रहते हैं, दिखाते हैं आपको।
ये देखो जी गाइस, कुछ ही मिनटों में ये कुलचा बाहर आने लगा है। सॉरी, ये देखिए गाइस, ये आ गया, ये मिक्स है, ये मिक्स कुलचा आया है। ये आलू का, ये आलू का कुलचा आ गया, बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं सुनहरी गोल्डन कलर है इसका, और इस पे लगेगा मक्खन रज रज के, जो कि इसके स्वाद को बढ़ाएगा। ये भी आलू का कुलचा आ गया जी, फाइनल स्टेज पे है और देखते हैं आगे कैसे ही लगाते हैं मक्खन इस पे। और प्लेट सेट करी जा रही है, ये इनकी प्याज चटनी है, आमले का अचार है साथ में, और ये हैं छोले चने हैं। ये देखिए गाइस, मक्खन अमूल वाला यूज किया जा रहा है यहाँ पे, प्योर अमूल बटर यूज किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, कोई नहीं रुमाना, ये देखिए गाइस, ये चुक लो, कर लो, ये देखिए आप क्या बढ़िया से अचार लग रहा है इनका, और ये देखिए इसको क्रंची वो देने के लिए इसको यूजली मोड़ दिया जाता है। तो करते हैं टेस्ट और दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हमारी कुलचे की प्लेट आ चुकी है कुलवंत सिंह कुलचे वालों पे। आप देख सकते हैं किस हिसाब से मक्खन डाला गया है इसके अंदर, और ये मैं दिखाना चाहूँगा जो ये लोग करते हैं, हम भी एक्सपर्ट हो गए इसके अंदर। ये देखिए आप क्या हिसाब से चूर चूर हो गया एकदम, और कुलचा मक्खन में लिपट गया। तो गाइस करते हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये अचार है इनका, काफी पानी वाला ये चटनी रहती है, तो आज बहुत खट्टी और एक तरह से छिस्कारा आ गया, मतलब मजा आ गया। हल्की सी मिर्च भी है इसके अंदर, प्याज भी है। तो गाइस ये चने आप देख सकते हैं, चने की क्या रहे? ये बिल्कुल प्योर चने, सादे, इसमें कुछ नहीं है, कोई सिर्फ कोई मिर्ची नहीं है, कोई मसाला नहीं है, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया इसको, बिल्कुल एकदम सटल सटल, जो सिर्फ चनों का टेस्ट मैं कहना चाहूंगा वही है कुक करने के बाद, बिल्कुल तड़का लेस होते हैं, तड़का लेस है। इनफैक्ट ये जो इनका बता रहे हैं बिल्कुल वही है। और आप कुलचे की फ्लेकीनेस देखिए, इसके अंदर कितने सारी लेयर्स हैं, ये देखिए अजवाइन दिख रही है, अंदर आलू है, ये हरा धनिया है, हरा धनिया है, सूखा धनिया है, काफी अच्छे से फिलिंग है इसके अंदर। और इसको करते हैं जब ये बड़ी सी हो गई मुर्गी, काफी स्मूथ है, मैं ये कहना चाहूंगा जो सॉफ्टनेस है कुलचे की बेकरार है बिल्कुल, बटर के अंदर एकदम डूबा पड़ा है, और जो ये टेस्ट दे रहा है साथ में चने का जो टेस्ट आ रहा है एकदम एब्सोल्युटली स्टनिंग, बिल्कुल फुल ऑन पॉइंट फॉर दी कुलचा, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई द अचार इसके साथ, और करेंगे आमले का जो कॉम्बिनेशन है। फुल पॉइंट, एवरी इंग्रेडिएंट हैज इट्स ओन टेस्ट, एकदम पूरे का पूरा टेस्ट आपको मिल रहा है। और टाटा पाजी, आप अगर बिल्कुल दोबारा आपके पास आते हैं तो ये इनका जॉइंट बिल्कुल कोने में है, वह शॉप है जो कुलचा यहाँ पे दे रही है, मेन तिल पनीर, एक तिल पनीर, एक डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई, और आवर रिकमेंडेशन, वी हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस, और आई वुड यू रेट दिस प्रिपरेशन टू बी 9 out of 10। और मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा भाई कुलवंत सिंह कुलचे वालों का जो ब्लॉग रहा आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।